वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 25 मई 2021 आज पनवेल गुरुद्वारा से जो सेवा पिछले महीने 20 अप्रैल से जो चलती आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा, और जैसे पनवेल गुरुद्वारा की कमेटी ने ये सेवा और दूसरे जगहों पे, चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे वो कोई और फाउंडेशन हो, उन तक कैसे पहुंचाई जाए और उनके थ्रू जरूरतमंद लोगों तक किस तरीके से ये सेवा पहुंच सकती है, ये जब कमेटी ने डिसाइड किया था और ये हमने रिक्वेस्ट भेजी थी हर एक को, तो ये रिक्वेस्ट मुरूर जंजीरा में जामा मस्जिद है राजपुरी में, जिन्होंने ये पनवेल गुरुद्वारा का वीडियो देखा और उन्होंने हमारे जो गुरुद्वारे कमेटी के बलदेव सिंह जी हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा चल रही है इसकी देख रेख करते हैं, इनको कॉन्टेक्ट किया और उसके आगे फिर ये सेवा पनवेल गुरुद्वारा से मुरूर जंजीरा में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये हम बलदेव सिंह जी से जानते हैं। बलदेव सिंह जी, आप बताएंगे कि कैसे ये शुरू हुई जो आप ये सेवा मुरूर जंजीरा में लेके जाएंगे और कैसे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड का जो सेकंड वेव जो चालू हुआ जब का, इसमें क्या होता है कि जो कोविड पेशेंट है उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो हो जाता है और उसको सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने ये अपना सोशल मीडिया पे अपलोड किया था कि किसी भी कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ को ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो रहा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, तो हमने बेनती किया था कि किसी को भी ज़रूरत है तो हमको फ़ोन पे कंटेक्ट किया जाए। और कल ही मुरूर जंजीरा वाला वहाँ पे अपने जो एक संस्था है जामा मस्जिद करके, उनका सदीकी जी का कल हमको कॉल आया। उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि हमारे जहाँ पे कोविड का बहुत ही फैलाव हो गया है और जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो उनको हमने तुरंत उसी टाइम हमने कॉल करके बोला कि आप शाम को या कल सुबह आइए और आज हम 20 सिलेंडर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर हम उनको दे रहे हैं, वहाँ पे हम सेवा शुरू, आज से हमारी वहाँ पे सेवा शुरू हो रही है। और हम उनको आगे भी हमने बेनती किया है कि वहाँ और भी जो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत होगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और हम सब जन को अपील करते हैं, कोई भी एनजीओ, कोई भी फाउंडेशन जिनको अभी तक ऑक्सीजन की सेवा नहीं मिल पाई है, कहीं भी जरूरत हो तो हमको 24 आवर कभी किसी टाइम भी हमको सेवा का मौका दे सकते हैं। बोलो। तो हमारे साथ जामा मस्जिद के उस्मान भाई हैं जो यहाँ पे ये सिलेंडर लेने आए हैं, तो मैं इनसे भी चाहूंगा कि ये बताएं कि किस तरीके से ये सेवा का इनको पता चला और इनकी क्या मंशा है, ये जो सिलेंडर ये लेके जा रहे हैं इसके पीछे। उस्मान भाई, आप जरा बताएं। हम भी आए हैं मुरूर जंजीरा राजपुरी से, जामा मस्जिद से। हमको जब पता चला सोशल मीडिया पे कि पनवेल में जो है गुरुद्वारा है, वहाँ से जो है सिलेंडर प्रोवाइड हो रहे लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की ज़्यादा परेशानी है, तो हम लोगों ने जो हमारे मेंबर थे उन लोगों ने जो है देव सर से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला कि आप शाम को मत आ जाओ, कल सुबह चले आ जाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके जो ये सिलेंडर 20 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि पनवेल गुरुद्वारा से, मैं कुछ कल सिर्फ इतनी बात बताना चाहूँगी, कल किसी ने एक कमेंट किया था कि पनवेल गुरुद्वारा ये सेवा कर रहा है या ये पब्लिसिटी कर रहा है, तो ये जो 20 सिलेंडर जा रहे हैं ये यहाँ से 115 किलोमीटर दूर, जहाँ पे क्या क्या जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि पनवेल गुरुद्वारा जो भी ये सेवा प्रोवाइड कर रहा है, हम लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप हमारे कमेटी मेंबर्स को कॉल कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर हमको लगा कि ये फैसिलिटी जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ के आसपास की लोकेलिटी है, बिकॉज ऑक्सीजन सिलेंडर की इस सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाते हैं बट उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये क्या है, ये सेवा की बाउंड्रीज बढ़ानी है हमको। हम यहां से 115 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, ये जो 20 सिलेंडर जा रहे हैं, ये देखिए, ये इन्होंने गाड़ी भेजी है जिसमें 20 सिलेंडर और जो किट है ऑक्सीजन सिलेंडर की, जो ऊपर किट लगेगी, ये भी प्रोवाइड की गई है। तो ये सेवा जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचनी चाहिए। हम यहां से 115 किलोमीटर दूर या कोई पेशेंट का रिलेटिव यहां नहीं आ सकता, लेकिन अब जब ये जामा मस्जिद में वहां पे जा रही है, अब जब वहां पे जिनको जरूरत है ये सेवा, वहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से शुरू करेंगे, तो ये सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। आप में से भी अगर कोई भी, जैसे बलदेव सिंह जी ने कहा कि किसी को जरूरत है, सेवा स्टार्ट कर सकते हैं आपके फाउंडेशन में या आपके गुरुद्वारे में, आप हमारे कमिटी मेंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके बाद
कितने सिलेंडर शुरू में, क्योंकि अभी इनको 20 सिलेंडर दिया गया है, और उससे बड़ी जो सेकंड चीज है, क्योंकि इनको वहां पे ये रिफिलिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो हमारे कमिटी ने क्या डिसाइड किया कि जब ये सिलेंडर खत्म हो जाएंगे तो ये 115 किलोमीटर दूर से ये फिर से आएंगे और भरे हुए सिलेंडर यहाँ पनवेल गुरुद्वारा से लेके जाएंगे। तो ये सेवा जो यहाँ से चल रही है, ये सेवा जामा मस्जिद से भी चलेगी, तो इसी तरीके से ये सेवा चलती रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यहाँ पे सेवा करते समय कोई धर्म नहीं देखा जाता, कोई जात नहीं देखा जाता, अमीर गरीब चाहे वो कोई भी हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।